गुड मॉर्निंग टू माय चैनल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। और कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी मॉर्निंग हो रही है करीबन 8 बजे और नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं मतलब। और अभी हो रहा है टाइम 8:30 का कि दीवू के नाना नानी आ चुके हैं और आज उनकी प्लानिंग हो रही है नानक मत्ता मेले जाने की। खैर अभी हमारा दीक्षा और मेरा कोई प्लान नहीं है नानक मत्ता मेले जाने। और आज हम वहाँ अभी फ़िलहाल मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जाऊँगी। परसों जब हम लोग मेला गए थे नानक मत्ता तो हम लोग खो चुके थे। कौन, मेरी छोटी बहन दीक्षा, मैं और सुशील, हम तीनों एक बाइक में गए थे। मेरे भाई भाभी एक बाइक में गए थे। तो भीड़ इतनी थी क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन हम लोग गए थे तो बहुत भीड़ थी। गुरुद्वारे में मत्था टेकने को भी नहीं मिला जैसे कि मैंने आपको बताया था। और तो बाकी सुशील ने बाइक खड़ी कर दी थी, हम उससे आगे पहुँच गए थे और भैया भाभी हमसे आगे पहुँच गए थे तो हम एक दूसरे को मिल नहीं पाए। और फ़ोन से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बिजी ज़्यादा था शायद भीड़ के मारे। तो हम लोग वहाँ से आ गए थे और मेला वगैरह नहीं घूमे। तो आज अभी देखते हैं अगर कोई प्लान होता है वहाँ जाने का। अभी फ़िलहाल हमारा दीक्षा और मेरा कोई प्लान नहीं है, मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के वहाँ। अगर भाभी कहती हैं तो देखते हैं अगर कोई प्लान बनता है। फ़िलहाल के लिए हम लगाने जा रहे हैं एलोवेरा बालों में क्योंकि बहुत दोम हुए हो गए हैं बाल जिसके कारण बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल रफ से हो गए हैं। ऊपर से सर्दी आ रही तो डैंड्रफ वैसे ही हो रहा है। तो वहाँ पे ना वो वहाँ पे मम्मी ने मतलब एलोवेरा का प्लांट लगा रखा है, वो बड़ा हो चुका है, थोड़ी मिट्टी वगैरह भरान करी ना तो वहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। तो जो जो पत्ते मतलब टेढ़े हो चुके हैं हम उसको काट के लाते। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये है एलोवेरा का पेड़ जिसमें से हम पत्ते काटेंगे। मैं एक्चुअली 2-3 पत्ते पहले से काट चुकी हूँ और एक पत्ता कम पड़ रहा है तो उसको काटूँगी। तो ये हमने दो इसके एलोवेरा ये 2 पत्ते काट लिए हैं और इसको जेल बनाकर हम लगाएंगे बालों में। किस तरीके से बनाते हैं आपको दिखाते हैं। वैसे ही लगाना बहुत अच्छा होता है, एक तरफ से पोषण मिलता है बालों को। और आपको दिखाते हैं कि कैसे जेल लगाते हैं। मतलब ऐसे 2 पीसेस करने में इनको निकालने में बहुत ईजी होता है। इसको लगाने के लिए शैम्पू से नहीं, आप नॉर्मल भी वॉश कर सकते हैं, शैम्पू से करना इतना ज़रूरी नहीं है। और मैं तो इसको लगाने के लिए शैम्पू से वॉश नहीं करती। ये देखिए इसको इस तरीके से निकालने के बाद इसको हम पीस लेते हैं मिक्सी में। ये तो इनके सारे निकाल लेते हैं सारा जेल। तो गाइस हमने ये एलोवेरा के निकाल लिए, अब इसको बनाएंगे हम जेल। इसको मिक्सी में पीसेंगे और क्योंकि मैं ज़्यादा ही आई थी तो मेरे ये बाल ज़्यादा हैवी नहीं है, एकदम बिल्कुल हल्के बाल हैं। तो इतने से क्योंकि ऐसा तो अभी जेल टाइप का है, जब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे तो एकदम ही लिक्विड हो जाएगा, एकदम पानी जैसा। तो फिर इसको लगा तब भी ज़्यादा हो जाता है तो मेरे बालों के लिए एक काफ़ी है और एक रख देते हैं हम नेक्स्ट टाइम लगाएंगे। और हाँ, ठंडों में बाकी नहीं, ठंडा होता है, कभी आप ठंडों में लगाओ एलोवेरा तो धूप में लगाना, मतलब जब धूप आए तब लगाना। उसके बाद इसको 15-20 मिनट तक रखना और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। और ये देखिए, और ये जो है पत्ते, मतलब जब हम निकाल लेते हैं तो ये जो पत्ते बचते हैं इसको वेस्ट मत कीजिए क्योंकि इसमें देख लीजिए आप कितना सारा बचता है। तो इसको आप अपने बालों में लगा सकते हैं। मैं इसको अभी अपने बालों पे लगाऊंगी, उसके बाद इसको पीसने जाऊँगी। तो जब मैं इसको पीस के आती हूँ फिर दिखाते हैं, देख सकते हैं मैं इसको मिक्सी में पीस के ले आई हूँ, एकदम लिक्विड हो चुका है। और आप चाहें तो इसको बिना पीसे भी सर पे लगा सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, अगर आप सर में मेहंदी वगैरह लगाते हैं तो इसको ऐसे लिक्विड एकदम पानी जैसा बनाकर इसमें मेहंदी भिगो सकते हैं, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एलोवेरा के जेल से मतलब ये पानी जैसे जो बन जाता है इससे आप मेहंदी भिगो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पानी डालें और पानी डालकर भी मेहंदी को मिक्स करके फिर लगाएँ, आप इससे भी डाल सकते हैं। आप देखिए एकदम ये वाटर जैसा हो गया, एकदम लिक्विड हो चुका है, कोई जेल का पता ही नहीं चल रहा है। तो अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ, जो पत्ते बचे थे इसको मैंने वेस्ट नहीं किया, सारा अपने बालों में लगा दिया। तो अब मैं मिलती हूँ आपको बाद में, जब ये मैं इसको मतलब एलोवेरा को लगाने के बाद जब मेरे बाल सूख जाएंगे मैं वॉश करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि मेरे बाल हेयर कैसे होते हैं।
बाल वॉश कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे बाल हो चुके हैं। लेकिन मैंने शैम्पू से वॉश नहीं किए हैं, मैंने करीबन 9 बजे लगाया था और मैंने 10 बजे धुलाया है, पूरा 1 घंटा रखा है क्योंकि बाल मेरे सूखे नहीं थे। एलोवेरा लगाने के बाद बाल सूखे नहीं थे, गीले थे, इसलिए जब तक सूख नहीं जाते तब तक वॉश नहीं कर सकते। और मैंने वॉश कर लिए हैं तो आपको दिखाते कि वॉश करने के बाद कैसे हो रहे हैं बाल। तो फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के वहाँ, तो मैंने उसको फ़ोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ, तो मैं हो रही हूँ रेडी, तो मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। मैं हो चुकी हूँ मनीषा के वहाँ जाने के लिए और हम जा रहे हैं मनीषा के वहाँ। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, कहीं भी जाइए, घर से बाहर जाइए तो अपना मास्क ज़रूर ले जाइए और पहनिए भी। तो हम चलते हैं मनीषा के वहाँ। तो हम पहुंच चुके हैं मनीषा के वहाँ और ये है मनीषा, मेरी फ्रेंड। हेलो। और क्या कहते हैं, जब इसका 3rd सेम था तब इसकी शादी हो चुकी थी। इसका एक बेटा है जो अपनी मौसी के साथ खेल रहा है, हीरा के साथ। वेदू, वेदू, हेलो करो। वेदू, हेलो। अब आबा कर दो, अब आबा कर दो, अब आबा, 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 जी जी, आदमी तो धूप लगा ले रहा कुत्ता। तो अब हम आए इसके वहाँ। मैं कब से आई थी यार, कितने बजे आई थी मैं? 11 बजे आई थी और 2 बजने वाला है। हाँ, वाकई में 2 बजने वाला है। और खूब गप मार ली, हीरा ने कॉफ़ी बनाकर पिला दी, इसके साथ खेल रहे हैं हम लोग। ये और हम एनसी से साथ में पढ़े हैं ना, और फिर 5th से अलग हो गए थे, फिर 9th से साथ मिले, फिर कॉलेज साथ किया। और मनीषा एक बार दिखा दो दे अपनी स्माइल, तो दिखा दे। और ये रही हीरा, आते ही इनका काम पड़ा पहले मेरे पास, बाल बनाने के लिए बैठ गए। तो अब मिलाते हैं वेदू को। वेदू और चाचा की लड़की खेल रहे हैं, तो हम इन दोनों से मिलवाते हैं आपको। देखो कैसे खेलते हैं दोनों, मौसी और भांजी। वेदू कैसे हो? पाकर दो बाबू, वेदू को प्यार कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। कहाँ चल दिया वेदू? चलो चलो चलो, ये वेदू खेला, खेली खेली करो, खेली। वेदू है, दो वेदू, वेदू को बाबा, बाबा को दो, बाबा का दो, बाबा, बाबा। अब मामा को देख लिया, बस खत्म कहानी। क्या नाम है इसका? मैदान। नहीं नहीं नहीं, वेदू क्या खिला रही मम्मा? क्या खिला रही मम्मा? बात कर रही वेदू, बात। फोन लेने आ रहा है वो मेरा। वेदी, वेद, वेद, वेदू। तेरा 11 बजे से मैं यहीं हूँ और हमने खाना वाना यहीं खाया, गोहत की दाल और भात। और क्या क्या हमने रील्स बनाई, हीरा भी चाय लिया है, 4 बजे की चाय और बिस्किट हो चुका है हमारा। अब हम जा रहे हैं घर, ब्रेकफास्ट। और क्या कहते हैं, खूब सारी रील्स बनाई है हमने, मनीषा ने तो बना बना कर डिलीट कर दिए लेकिन अच्छी नहीं थी वो। और इसका बेटा वेदू सोया है, तो अब मैं जा रही हूँ घर। अभी इसका भाई आएगा, वो मुझे छोड़ देगा। तो इन लोगों से विदा ले लीजिए, ये आज ही हमारे ब्लॉग में, फिर ये ससुराल चल जाएगी। ये चली जाती है तो मैं भी नहीं आती, इससे कभी हाय हेलो हो जाती है। बाय गाइस, तो मिलते हैं घर में। आ चुकी हूँ और 5 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बाय।